सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो जो अभूतपूर्व जो स्वागत आपने किया है, मैं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और पूरे पेटवार की तरफ से हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा, आपका हमेशा एहसानमंद रहूंगा। शायद आज एक धन्ना सेठ और घमंड की दुकान को इस बात का एहसास तो हो चुका होगा कि तेरी कुर्सी की टांगे कट चुकी। जिस कुर्सी पे बैठ के 5 साल अहंकार के साथ ही हल्के को अपमानित करने का काम हमारे वित्त मंत्री जी ने किया, अब उसका बदला लेने का समय आ गया है। नौजवान साथियों, सबसे ज्यादा अगर इस सरकार ने किसी को ठगा है वो युवा है, वो हमारी पीढ़ी है जिसने सदैव राजनीतिक लोगों से धोखा खाया। जब चाहे नरेंद्र मोदी जी का चुनाव हो, चाहे मनोहर लाल खट्टर जी का चुनाव हो, चाहे कैप्टन अभिमन्यु जी का चुनाव हो, अभिमन्यु जी ने भी कहा था कि मेरे को विधानसभा भेजो, मैं मुख्यमंत्री बन के आऊंगा। नानुन हल्के के लोगों ने शायद ये सोचा भाई मुख्यमंत्री हल्के का होगा, एक मौका इसको भी देना चाहिए, चलो मुख्यमंत्री नहीं बने। मेरे जैसे नौजवानों को सपने दिखाए कि मुझे विधानसभा भेजने का काम करो, मैं नानुंद में इतने कारखाने लगवा दूंगा, मैं नानुंद में अनेकों फैक्ट्रियां लगवा दूंगा। किसी कारखाने की किसी फैक्ट्री की सिटी सुनाई दी कदे? नानुंद हल्के के 60 गांव में केवल एक खांडा खेड़ी को छोड़ दें तो ऐसा कोई गांव नहीं होगा जिसमें कैप्टन अभिमन्यु की वजह से किसी भाई को, किसी नौजवान साथी को रोजगार मिला हो। कोई मेरी उम्र का नौजवान अगर अपने रोजगार के लिए अभिमन्यु के पास चला गया तो केवल एक बात कही कि नौकरी लगवाना मेरे बस की बात नहीं है। जब कोई व्यक्ति अपनी बदली के लिए गया कि मंत्री जी मेरी जो ड्यूटी है वो बहुत दूर है, आप मुझे नजदीक ट्रांसफर कर दीजिए ताकि मैं अपने परिवार के साथ रह सकूं, अभिमन्यु जी ने कहा ये बदली करना मेरा काम नहीं है। जब किसी के साथ पुलिस गलत करती है या कोई पुलिस प्रशासन की से मदद के लिए अभिमन्यु जी के पास गया तो अभिमन्यु जी ने कहा मेरा ये काम नहीं है कि मैं पुलिस के पास फोन करता रहूं। अब मंत्री जी को कोई ये पूछने वाला हो फिर तू है किस काम के लिए? सिर्फ अपना घर भरने के लिए। अपने चहेते ठेकेदारों को नानुंद हल्के में ठेके दे दिए, 6 महीने में रोड टूट जाती है फिर नई बनाने आ जाते हैं, फिर वो 6 महीने में टूट जाती है, एक बार फिर कमीशन खोरी का धंधा ये हमारे साथ खेलने का काम करता है। अपने चहेतों को ठेके देता है, उनकी जेबें भरने का काम करता है। और अगर कोई मद्दन एड़ी जैसा गांव पंचायत के साथ अपनी बच्चियों को लेकर चला जाए तो अभिमन्यु जी बड़े अपमानित ढंग से उसको दुत्कारने का काम करता है। जब कोई पूरी खाप उसके पास चली गई कि अभिमन्यु जी हमें ग्रांट दे दीजिए या हमारी ये मदद कर दीजिए तो अभिमन्यु जी कहते हैं मेरे ऊपर इतना एहसान करने की जरूरत नहीं है, मैं पैसे से जीतता हूं। मैंने ये चुनाव के समय बड़े झोले भर भर के पैसे भेजे थे तब चुनाव जीता हूं, अब की बार ये पैसे वाला घमंड जरूर निकाल देना। प्रत्याशी और भी आपके बीच में आएंगे, मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया क्योंकि वोट की अपील वहां की जाती है जहां
मुझे ये बताना हो कि मैं आपका अपना हूं, मध्य नेड़ी को मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि मैं आपका हूं। पेटवार गांव का एक एक नौजवान, एक एक पिता तुल्य बुजुर्ग, एक एक माता बहन का जितना फर्ज बनता है उतना ही फर्ज मध्य नेड़ी गांव का है। और पूरा गांव आज आपसे एक अपील करने आया है कि संघर्ष की घड़ी में आप हमारा कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें, आप हमारा सहयोग करने का काम करें। एक प्रत्याशी और आएगा, एक ऐसा प्रत्याशी भी हमारे बीच आएगा जो नाम पूछने से पहले जाति पूछने का काम करता है, अगले का नाम पूछने से पहले यह पूछता है तू जाटा में है कि ब्राह्मणा में, तू चमारा में है कि तू बाल्मीकिया में। युवा हितैषी कहने वाले ने किसी युवा को टिकट देने की बजाय 81 साल के बुजुर्ग को टिकट दे दी, जिसने 20 साल पहले तो यह कह दिया था कि चल वोट दे दो चल लकड़ी दे दो। नौजवान साथियों, एक समय ऐसा भी होता था गांव में एक बुजुर्ग होता था और वो बुजुर्ग यूं कह देता कि उस पार्टी को वोट देना है, उस आदमी को वोट देना, पूरा गांव उसकी बात पे फूल चढ़ा के वोट दे दिया करता। समय तो बदलता है, समय किसी का इंतजार नहीं करता। आज हर नौजवान अपने आप के ऊपर आश्रित होना चाहता, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है। राजनीति में ऐसा ही समय आया है। आज आपके बीच सारे प्रत्याशियों को देखना, सारे प्रत्याशियों को समझना, अगर कोई नौजवान नजर आएगा तो केवल आपका ये भाई, आपका बेटा नजर आएगा। बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मैं युवाओं के लिए ये करूंगा, मैं युवाओं के लिए वो करूंगा, उनसे जवाब मांगना कि पहले भी थे आप सारे के सारे। कांग्रेस का उम्मीदवार आएगा उसे पूछना 10 साल जब हुड्डा ने राज किया तब आप कहां थे, तब क्यों नहीं किया। अभिमन्यु जी अब कहते हैं कि मैं इस पारी में रोजगार देने का काम करूंगा, उनसे पूछना कि 5 साल एक मुसी तक को लगवाई ईब किस तरह लगवा देगा। मैं तो एक बुजुर्गों से कहानी सुनी है, कहावत सुनी है कि आन ना आन प्यारा होया करे। मैंने अपने युवा साथियों के दम पर, चाहे नालंदा की बात हो चाहे हरियाणा की बात, पार्टी से यह कहा था कि नालंदा हल्के का एक एक नौजवान पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करेगा, और अगर मुझे मौका देते हो तो एक एक नौजवान चुनाव लड़ने का काम करेगा। अब मेरी शान हर नौजवान मध्य नेड़ी के एक एक नौजवान के हाथ में है, आपने ध्यान रखना है, मेरी शान वहां ऊंची हो या नीची हो।